क्रिप्टो गेमर्स, आफ्टर OB43 अपडेट गरीना फ्री फायर के अंदर कुछ न्यू सेटिंग्स देखने को मिला है, जैसे कि हमारा रन मोड के अंदर आपका मिक्सेड डाल दिया है, क्लासिक कर दिया है, ड्रैग कर दिया है, ऐसे आपको 5 सेटिंग न्यू देखने को मिले। तो उस पे आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि ये सेटिंग का क्या यूज रहेगा और लाइव आप लोगों को करके बताने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रन मोड से। तो रन मोड आप लोगों को कंट्रोल के अंदर मूवमेंट के अंदर देखने को मिल चुका है। तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों समझा देता हूँ। एक रहेगा क्लासिक, ड्रैग और मिक्सेड। तो शुरुआत करते हैं क्लासिक। क्लासिक का मतलब होता है कि जो हमारा पुराना वाला था, जिसपे आप लोगों को जो फायर बटन होता था ना, उस पे आप लोगों को क्लिक करना है, आपका जो भी कैरेक्टर होगा वो भागेगा, यानी कि क्लासिक रहेगा एकदम सिंपल। आप लोगों को हमारा रन मोड पे क्लिक करना है और वहां से भागने लगेगा। दूसरा आएगा ड्रैग। तो ये जैसे आप लोग इस ड्रैग पे क्लिक करके ड्रैग कर दोगे, तो इसका मतलब जो आपका रनिंग बटन है ना, वो गायब हो जाएगा। तो ये हमारा ड्रैग के अंदर रहेगा। फिर आएगा मिक्सेड। तो ये मिक्सेड गरीना फ्री फायर ने नया लेके आए और मुझे पर्सनली बहुत तगड़ा लगा। तो इसके अंदर क्या होगा, तो आप लोग मिक्सेड यहाँ से कर दोगे, उसके बाद आप लोग जैसे हमारा जॉयस्टिक को ऊपर की साइड करोगे, यानी कि जो हमारा रनिंग वाला भागने वाला बटन होता है ना, रनिंग बटन की तरफ आप करोगे ना, तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली भागने लगेगा। भाई साहब जहर, मतलब जॉयस्टिक अगर ऊपर की तरफ आप करोगे तो भागने लगेगा, लेफ्ट राइट या नीचे करोगे तो नहीं भागेगा। तो क्या हम लोगों को मिक्स पे खेलना चाहिए? तो गाइस मैं तो पर्सनली मिक्स पे खेलता हूँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मिक्स से आप लोग खेलोगे ना, तो बहुत बार क्या होता है, शॉर्ट रेंज में हम लोग फाइट कर रहे और हमारे फाइट में अगर हम लोग ऊपर जॉयस्टिक कर दिया तो भागने लगेगा, मतलब फाइट के बीच में भागने लगेगा और सामने एनिमी की तरफ भाग जाएगा। तो इससे आपको ऐड भी लग सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा, नुकसान तो बता दिया। तो फायदा ये होगा कि जो आपका मूवमेंट होगा ना, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब आप लोग नॉर्मली हमारा जॉयस्टिक यूज करोगे तो नूब वॉक लगता है, आपको पता ही है, लेकिन रनिंग बटन यूज करके खेलता है ना, तो उनका गेम प्ले अच्छा लगता है। तो आप लोग किल मॉन्टाज बनाते हो या रिकॉर्डिंग करते हो, आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग का न्यू फीचर दिया वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि आप लोगों का गेम प्ले आप किसी को दिखाना चाहते हो तो आप लोगों को मिक्स पे ऑलवेज रखना है। इससे आपका मूवमेंट 100% तगड़ा होगा ही, और मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ। सेटिंग नंबर 2, टीममेट निकनेम। आप लोगों को हाइड और डिस्प्ले दोनों ही ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों समझा देता हूँ। तो हाइड पे आप लोग क्लिक करके जाओगे गेम के अंदर, तो जिनका आप लोगों ने निकनेम रखा हुआ है, जैसे कि मैंने विशु, प्रदीप भाई और मनीष भाई जैसे रखा हुआ है, इन लोगों का नाम ही नहीं शो होगा, मतलब उनका सिर्फ नंबर आपको शो होगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जैसे भी आपका नंबर वाइज उनका डिवाइस होगा वैसे आप लोगों को शो होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और जैसे आप लोग डिस्प्ले करोगे तो मतलब पुराना वाला हो जाएगा नॉर्मली, आपको उनका जो भी आपने निकनेम रखा है वो शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो विशु शो हो रहा है, प्रदीप भाई शो हो रहा है, वैसे आपको दिखेगा। तो क्या हम लोगों को रखना चाहिए? तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, मैंने पर्सनली पहले यूज किया है फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, कि आप लोगों को डिस्प्ले रखना चाहिए। तो क्योंकि गाइस आप लोगों को नंबर वाइज कभी पता नहीं चलता, मेरा तो आप लोग देख सकते हो प्लेयर्स का नाम होता है वो पहले से मैंने थोड़ा ब्लर करके रखा हुआ है, तो वहां से हम लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो कौन से नंबर को जरूरत थी। बहुत बार क्या होता है कि हमारे टीममेट बोलते हैं कि भाई यहाँ मेरे पास बंदे, तो क्या हम लोग वहां नंबर वाइज देख के थोड़ी जा पाएंगे कि नंबर 2 प्रदीप भाई है, नंबर 3 विशु है, विशु ने बोला कि यहाँ बंदे है, तो नंबर 3 हम लोग बार बार थोड़ी याद रख पाएंगे। लेकिन अगर हमें नाम शो हो रहा होगा तो विशु इस तरफ है उस तरफ भाग के हम जा सकते हो। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आप लोगों को डिस्प्ले रखना चाहिए। नंबर 3 सेटिंग गरीना की तरफ से न्यू आया है परमानेंट ग्लोबल बटन। तो परमानेंट ग्लोबल बटन को आप लोग ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग इसके स्लॉट बना के रखे, मतलब ये आप लोगों को 2 स्लॉट देखने को मिलता है, सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट। तो डबल स्लॉट आपने करके रखा है तो आपका ग्रेनेड का भी अलग हो जाएगा, यानी कि जितने भी ग्रेनेड सब आपको मिलता है ना, वो सब अलग हो जाएगा, लॉन्च पैड ये सब वाला अलग हो जाएगा और ग्लोबल का अलग हो जाएगा। तो वो डबल स्लॉट आपने करके रखा है तो परमानेंट ग्लोबल बटन वाला आप लोग ऑफ रख सकते हो। मैं इसको ऑफ रखूं या ऑन रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डबल स्लॉट रखा है तो मेरा ग्रेनेड का नीचे आ जाता है और ग्लोबल का मेरा लेफ्ट साइड जहां मुझे रखना है वहां रहता है। तो ये कोई इतना खास नहीं है, लेकिन जिन बंदों के पास हमारे ग्रेनेड स्लॉट अलग से नहीं है, सिंगल स्लॉट रखा है, तो आप लोग परमानेंट ग्लोबल वाला बटन को ऑन रख सकते हो, इससे आपका ग्लोबल अलग हो जाएगा। नंबर 4 सेटिंग के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डिंग के अंदर हमारा रिप्ले सेटिंग देखने को मिला है, फ्री रिकॉर्डिंग सेटिंग देखने को मिला है, साउंड सेटिंग और रिजोल्यूशन सेटिंग। ये बहुत ही तगड़ा है, अगर आप लोगों को आपका गेम प्ले रिकॉर्ड करना है तो ये रिकॉर्डिंग सेटिंग बहुत ही ओपी वाला है, जिसके अंदर पहले रहेगा रिप्ले सेटिंग। रिप्ले के सेटिंग के अंदर तो आपको पता ही है पहले का, बाद में हमारा गेम देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऑन रखना है तो आपका रिप्ले सेटिंग ऑन हो जाएगा। वही दूसरे नंबर का आएगा फ्री रिकॉर्डिंग सेटिंग। तो फ्री रिकॉर्डिंग सेटिंग को आप लोग ऑन कर दोगे तो आपको एक ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। तो ये लोगो क्या है, तो ये गाइस आप लोग कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यस कहीं से भी आपका मन करे वहां से आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब इसको ऑन रख के आप लोग गेम के अंदर गए और आपको लक रॉयल का बनाना है वीडियो, ये देखो गाइस यहां भी ये शो हो जाएगा, कहीं से भी आप लोग इसको यहां रख सकते हो और आपको लगता है कि ये लक रॉयल के अंदर, मेरे दोस्त को निकाल के दिखाना चाहता हूं कि कितने डायमंड में निकलेगा, तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। देखो यहां रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना, उस पे आप लोगों को क्लिक करना है और ऑन हो जाएगा। तो आप इसको लॉबी में भी यूज कर सकते हो, ये देखो यहां से जाएगा नहीं, कहीं भी आप लोगों को इसको घुमाना है आप लोग वहां रख सकते हो। तो ये आप लोगों को लॉबी
देखने के लिए, मतलब आपके पास कितने डायमंड है सब अपने टीममेट को दिखाने के लिए या अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए, तो इसको आप सीधा ऑन कर सकते हो, तो ये पर्सनली अच्छा लगा। इसके अलावा साउंड सेटिंग, तो साउंड सेटिंग पहले क्या था कि हम लोग अगर रिप्ले यानी कि गेम प्ले को रिकॉर्ड करते थे तो उसके अंदर साउंड देखने को नहीं मिलता था, मतलब साउंड आता ही नहीं था। तो गरीना फ्री फायर ने वो लेके आ चुके, आप लोग इसको ऑन रखोगे तो आपका जो साउंड होता है, मतलब गेम के अंदर आप किसी को किल करते हो, ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल, फिर आपको फुट स्टेप सब जो आता है ना साउंड, शॉर्ट में समझ लो गेम के अंदर जो साउंड आता है वो सभी का सभी साउंड आप लोग यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो गेम प्ले के साथ। वही आएगा रेजोल्यूशन सेटिंग, तो ये गाइस आप लोगों को हमेशा हाई रखना, इससे आपका लैग नहीं होगा मोबाइल, क्योंकि ये हमारा ग्राफिक क्वालिटी है, मतलब आप लोग जो रिप्ले में यानी कि गेम प्ले आपका जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका क्वालिटी है, तो आप इससे कोई भी लैग का इश्यू नहीं होगा। तो इसको आप लोगों को हमेशा हाई पे रखना है, चाहे आपके पास सैमसंग J2 क्यों ना हो फिर भी इसको हाई रखना है। तो क्या होगा कि इससे जो आपने रिकॉर्डिंग किया है वो हाई क्वालिटी में आएगा, मतलब 1080p पकड़ के चल सकते हो, 4K पकड़ के चल सकते हो, तो डिवाइस पे डिपेंड करता है। जैसे कि पीसी में आप लोग रिकॉर्ड करोगे तो वो 4K होगा, लेकिन आप अगर मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका एक लिमिट होता है, मतलब आपके मोबाइल का जो भी डिस्प्ले होगा 1080p हो सकता है, 2K हो सकता है, 4K हो सकता है, वो तो आप लोग आपका डिस्प्ले देख लेना उसी हिसाब से रिकॉर्ड होगा। सेटिंग नंबर 5 जो आप लोगों को एकदम न्यू देखने को मिला है, लॉग इन हिस्ट्री, मतलब आपका आईडी कौन से डिवाइस में लॉग इन है वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हम लोगों को न्यू सेटिंग गरीना फ्री फायर के अंदर देखने को मिला है, डिवाइस लास्ट लॉग इन, इस पे मैंने डेडिकेट वीडियो बना के रखा है। आपके फ्रेंड के पास आईडी है उससे वापस ले लेना है और उसको नहीं देना है, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। बाकी इसमें मैं कवर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सिंपली आप लोगों को बेसिक पे जाना है, फिर आपको लॉग इन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, कौन से डिवाइस में लॉग इन है वो आप लोगों को यहाँ शो हो जाएगा और लास्ट कब लॉग इन हुआ था वो भी आप लोगों को यहाँ शो हो जाएगा। सेटिंग नंबर 6 जो हम लोगों को न्यू देखने को मिला है, डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग आपका अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से सीधा कर सकते हो। यस गाइस, ये मेरा मेन अकाउंट है तो मैं यार डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों को सच बताऊँ। बाकी आप लोग डिलीट करना चाहते तो यहाँ से सबमिट करके डिलीट कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे डिलीट कर दूँ पाइए, देखो मेरी मेन आईडी है तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन न्यू सेटिंग देखने को मिला है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 6 सेटिंग हम लोगों को न्यू देखने को मिले, बाकी पुराने सेटिंग में भी कुछ चेंजेस हुए तो उसका अलग से हम पार्ट बना देंगे, पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे। बाकी जो न्यू सेटिंग देखने को मिले थे सभी सेटिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिए, कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना।